तो हम बुरानी की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आप तक पहुंच रहे हैं, बड़ी खबर इस समय की बड़ी जानकारी के साथ, जहां थोड़ी ही देर में राज्यसभा की कार्यवाही होगी शुरू। तो थोड़ी देर में राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी, नए राज्यसभा सांसद लेंगे शपथ। हरियाणा से कार्तिक शर्मा आज शपथ लेंगे। तो थोड़ी देर में राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो जाएगी और आपको बता दें कि नए राज्यसभा सांसद शपथ लेंगे। तो आपसे थोड़ी ही देर में शपथ ग्रहण होगा, राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी। तो अब आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है, हरियाणा से कार्तिक शर्मा शपथ लेंगे। तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते हैं कार्तिक शर्मा और आज शपथ ग्रहण करेंगे। राज्यसभा की कार्यवाही अब शुरू हो चुकी है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी, जहां अब राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, आज कार्तिक शर्मा शपथ ग्रहण करेंगे। तो नए राज्यसभा सांसद शपथ लेंगे, साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा से कार्तिक शर्मा शपथ लेंगे। तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कार्तिक शर्मा जीते हैं और आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है, आज शपथ ग्रहण भी होगा। और साथ ही आपको बता दें कि कार्तिक शर्मा आज शपथ ग्रहण करेंगे, राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस समय की कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं। Papers to be laid on the table. Sri Rao Inderjit Singh. Chairman, sir, I rise to lay on the table of the House the papers mentioned against my name at serial number 1. तो कार्तिक शर्मा ने शपथ ली है और आपको बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीते हैं कार्तिक शर्मा। राज्यसभा में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और आज आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां नए राज्यसभा सांसद आज शपथ ग्रहण करेंगे, वहीं कार्तिक शर्मा ने शपथ ले ली है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा देते हैं, ITV नेटवर्क के हरियाणा से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते हैं कार्तिक शर्मा। तो बीजेपी ने समर्थन किया था, कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हराया, पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, जो ITV नेटवर्क के फाउंडर है कार्तिक शर्मा, हरियाणा से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं कार्तिक शर्मा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते हैं कार्तिक। तो बीजेपी ने समर्थन किया था उनका, कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हराया। तो कार्तिक शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे हैं। तो ITV नेटवर्क के फाउंडर एंड प्रमोटर हैं, हरियाणा से राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कार्तिक शर्मा के बारे में, आपको बता रहे हैं जहां निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीते हैं कार्तिक शर्मा और हालांकि अब उन्होंने शपथ भी ले ली है। बीजेपी ने समर्थन किया था और आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हराया था, तो उनकी जीत हुई और आपको बता दें कि उन्होंने शपथ भी ले ली है। तो हरियाणा से कार्तिक शर्मा ने अब शपथ ग्रहण कर ली है। तो कार्तिक शर्मा के बारे में आपको बता रहे हैं, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को हराया है कार्तिक शर्मा ने और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने शपथ भी ग्रहण कर ली है। तो
ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं, जो कार्तिकेय शर्मा के बारे में आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। कांग्रेस उम्मीदवार अजय माकन को उन्होंने हराया है और बीजेपी का उनको समर्थन मिला, जिसके बाद उनकी जीत निश्चित हुई। और आपको ये भी बता दें कि आज उन्होंने थोड़ी देर पहले ही उन्होंने शपथ भी ले ली है, तो राज्यसभा में उन्होंने शपथ ग्रहण की है। तो हरियाणा के कार्तिकेय शर्मा ने अब शपथ ले ली है। तो कार्तिकेय शर्मा के बारे में आपको जानकारी बता रहे हैं। तो बड़ी खबर है, आपको बता दें कि जहां राज्यसभा में शपथ ग्रहण की है, कार्तिकेय शर्मा ने शपथ ली है। तो बड़ी खबर इस समय की, जहां हरियाणा से कार्तिकेय शर्मा ने ली है शपथ। तो निर्दलीय उम्मीदवार हैं और उन्होंने अब शपथ भी ग्रहण कर ली है। तो राज्यसभा में शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें कार्तिकेय शर्मा ने शपथ ले ली है। अब राज्यसभा में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है और आपको बता दें कि अब जो है कार्तिकेय शर्मा ने शपथ ग्रहण कर ली है। तो कार्तिकेय शर्मा ने शपथ ली है, वो बड़ी खबर, अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे, जहां हरियाणा से कार्तिकेय शर्मा ने शपथ ग्रहण कर ली है। अब तो राज्यसभा में शपथ ग्रहण कर ली है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता से निर्वाचित हुआ हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता से निर्वाचित हुआ हूं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का मैं कार्तिक शर्मा जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का। तो हरियाणा के कार्तिकेय शर्मा ने शपथ ग्रहण कर ली है और थोड़ी देर पहले ही उन्होंने शपथ ग्रहण की है। राज्यसभा में सांसदों का शपथ ग्रहण हो रहा है और अब कार्तिकेय शर्मा ने भी शपथ ग्रहण कर ली है। हरियाणा से कार्तिकेय शर्मा ने शपथ ली है।